व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो गाइस आज हम फिर से आ चुके हैं एक लाइट रूम के रिटचिंग ट्यूटोरियल लेके। तो वीडियो जैसे भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि हमारा हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बिना वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम सन टूल पर आ जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा फोटो को एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हाईलाइट को कम कर देता हूँ और शेडो को इंक्रीज कर देता हूँ करीब इतना, और जो वाइट है उसका थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा और जो ब्लैक है उसका डिक्रीज कर दूंगा करीब इतना, और एक्सपोजर को थोड़ा ही दे देंगे। तो गाइस इसके बाद हम आएंगे कलर टूल पर और यहाँ पर मिक्स। तो गाइस सबसे पहले हम रेड को सिलेक्ट कर लेंगे और इसका ह्यू थोड़ा कम कर देंगे, सेचुरेशन थोड़ा ही दे देंगे, और जो ऑरेंज है उसका सेचुरेशन कम करीब इतना रखते हैं और लुमेंस को बढ़ाएंगे, और जो येलो है येलो का ह्यू फुल इंक्रीज कर देंगे, सेचुरेशन को भी फुल इंक्रीज, और जो ग्रीन है ग्रीन का भी सेम ह्यू फुल इंक्रीज और सेचुरेशन को भी, और पिंक कलर को भी ह्यू इधर उधर करके देखते हैं तो मैं करीब इतना रखता हूँ और सेचुरेशन को भी दे देता हूँ, और यहाँ पर जो ब्लू है ब्लू का ह्यू कम कर देंगे इस तरह से, सेचुरेशन को थोड़ा दे देंगे और लुमेंस को थोड़ा कम कर देंगे, और इस कलर को सिलेक्ट कर देंगे और ह्यू को कम कर देंगे, और जैसे पर डन, और टेम्परेचर को इधर उधर करके देखते हैं। टेम्परेचर में करीब 18 रखता हूँ। और टेम्परेचर को मैं इधर उधर करके देखता हूँ तो मैं यहाँ पर रखता हूँ -12, और टिन को मैं -8 रखता हूँ, और वाइब्रेंस थोड़ा दे देंगे, सेचुरेशन थोड़ा कम। और गाइज आप देख सकते हो हमारा फेस में थोड़ा थोड़ा रेड टोन आ चुका है, तो इसके लिए हम फिर से मिक्स टूल पर आएंगे और ऑरेंज को सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर सेचुरेशन थोड़ा फिर से कम कर देंगे और लुमिनेंस को इंक्रीज कर देंगे, डन। तो गाइज इसके बाद हम आएंगे बिगिनी टूल पर, क्लैरिटी को दे देंगे करीब 14, और बिगिनी को दे देंगे -33, और यहाँ पर हम स्लिप टोन पर आ जाएंगे और हाईलाइट को इधर से हम इधर ले जाएंगे, मैं सेचुरेशन को करीब 5 के आसपास रखता हूँ, 7 रखता हूँ, और शेडो को भी सेम, शेडो को जो सेचुरेशन है उसको हम करीब 4 के आसपास रखते हैं, डन। तो गाइस उसके बाद हम आएंगे शार्प टूल पर और यहाँ पर से करीब 45 शार्प कर देंगे, नॉइस को भी करीब 30 के आसपास, और का नॉइस को भी 24। तो गाइस देख सकते हो पहले कैसा था और अब कैसा है। तो गाइस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि हमारा हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।